मेरा नाम मोहम्मद इमरान सलमानी, आदम एकता फाउंडेशन का प्रेजिडेंट। जो आज ये लुधियाना के अंदर रोस मार्च हुआ है आदम एकता फाउंडेशन के सतगुरु रविदास धर्म समाज वालों एक शांतिपूर्ण तरीके से एक रोस मार्च निकाला गया, जिसका मेन मकसद सीगा जेड़ा मोदी सरकार ने एक सीए बिल जो पास किया है मेंबर पार्लियामेंट के अंदर, वो बिल जो पास किया है वो संविधान के खिलाफ है, देश खिलाफ है, देश के खिलाफ है वो, और वो देश की जनता के खिलाफ है। क्योंकि मैं उस बिल को मुस्लिम विरुद्ध नहीं मानता, क्योंकि मुस्लिम विरुद्ध नहीं है वो देश विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। तो मैं अपने सभी देशवासियों को एक पुरजोर मैसेज देना चाहता हूँ कि जो देश के अंदर जिस जो आज देश के अंदर हालात बने हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं और लुधियाना में भी लुधियाना पंजाब में भी आज आंदोलन हो रहा है, तो मैं मोदी सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर मोदी सरकार ने ये बिल वापसी नहीं लिया, अगर ये बिल वापसी नहीं लिया तो पूरे देश के अंदर इससे ज़्यादा आंदोलन होंगे और इससे ज़्यादा धरना प्रदर्शन होंगे, उसका जिम्मेदार सरकार होगी। ये क्यों देश विरोधी है और क्यों संविधान विरोधी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों है। जो ये सीए बिल लेके आए हैं और इसके बाद इन्होंने एनआरसी लागू करनी है, क्योंकि जो अमित शाह ने ये मैसेज भी दे दिया कि एनआरसी लागू होगी। जो लोग एनआरसी में 1971 के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू भाईचारा का बंदा है, उसको ये उस गैर मुस्लिम को तो नागरिकता मिल जाएगी, पर नागरिकता मिलेगी तब जब उसको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर एक हिंदू भाईचारे को भी अपना प्रमाण पत्र अपनी नागरिकता लेने के लिए पाकिस्तान नहीं बनना पड़ जाए या बांग्लादेशी बनना पड़ जाए या अफगानिस्तानी बनना चाहे, तो ये मुसलमान विरोधी नहीं, ये संविधान विरोधी और देश विरोधी है। तो मैं देश की नरेंद्र मोदी सरकार को एक पुरजोर चेतावनी देना चाहता हूँ, वे ये आंदोलन उस टाइम तक जारी रहेंगे जब तक ये देश की नरेंद्र मोदी सरकार और ये आरएसएस मनुवादी लोग घुटने के बल नहीं गिर जाते, उस टाइम तक पूरे देश के अंदर ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, जेल में डाल दोगे तब भी नहीं डरने, अगर फांसी भी लटका हो नहीं डरने, गोली मारोगे तब भी नहीं डरेंगे। जब तक ये बिल कंडम नहीं होगा, ये बिल वापसी नहीं लेगी देश की मोदी सरकार, उस टाइम तक पूरे देश के अंदर आंदोलन जारी रहेगा और ये देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ना तो राज सही है और ना ही इनकी नीति सही है। बीजेपी सरकार देश के अंदर जातिवाद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को डिवाइड करती है और डिवाइड करना चाह रही है। लोगों को कारोबार नहीं मिल रहा, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, एजुकेशन सुविधा नहीं मिल रही, मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही, लोग बहुत देश के इन्होंने हालात बस्ते बदतर कर दिए। और मैन संविधान की 2014 के बाद इन्होंने धज्जी उड़ा कर रख दी है, अगर संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब को मानते रहेंगे, संविधान को मानते रहेंगे, जब तक संविधान रहेगा उस टाइम तक देश रहेगा। और संविधान कायम है तो ये लोग भी सुरक्षित हैं, अगर संविधान सुरक्षित नहीं तो ये लोग भी सुरक्षित नहीं। तो मैं अपने सारे देशवासियों से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, अगर देश को आपने एक कामयाब मुल्क बनाना है, अमन शांति कायम करनी है, देश को अगर आपने तरक्की देनी है, तो सारे भाईचारा इकट्ठा होके मुस्लिम सिख ईसाई रविदास भाईचारा सारे ही एक प्लेटफॉर्म पे आके इस मोदी सरकार का पूरे देश के अंदर जिस हिसाब से रोस मार्च हो रहा है, इससे ज़्यादा भी इससे ज़्यादा रोस मार्च होगा। और जो ये यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजों के अंदर जो बच्चों के ऊपर लाठी डंडे गोली चला रही है, ये किसी हालत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जो देश की मोदी सरकार इनकी जो हमारे स्कूल के यूनिवर्सिटी के जवान यंग यूथ बच्चे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं, वो आवाज़ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इसको दबाना चाहती है गोली से, डंडे से, लाठी से, जेल से या फांसी के फंदे से। ना हम 1947 में डरे हैं और ना आज डरेंगे और ना कल डरेंगे, जब तक देश के अंदर अमन शांति और संविधान सुरक्षित नहीं होगा उस टाइम तक पूरे देश के अंदर यह आंदोलन जारी रहेगा। और ये बिल देश की मोदी सरकार को वापसी लेना ही पड़ेगा और देश की मोदी सरकार को जब तक घुटने के बल नहीं गिर जाती उस टाइम तक संघर्ष जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, भारत जिंदाबाद।